गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो टुडे इज सितंबर 13 और सितंबर 12 की रात को मेरे को कंप्लीशन लेटर आया था मेरे कॉलेज की तरफ से कि आपने सक्सेसफुली अपना कोर्स जो है 2 साल का प्रोग्राम था हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑपरेशन मैनेजमेंट वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट मेरी पहले ही आ चुकी थी बट आई वॉज वेटिंग फॉर दी कंप्लीशन लेटर देन ओनली आई कैन अप्लाई फॉर PGWP विच इज पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम PGWP है समथिंग लाइक 3 ईयर्स ओपन वर्क परमिट वेयर यू कैन जस्ट गो एंड वर्क एनी वेयर इन कैनेडा। सो ये एक ही बार मिलता है सो ईदर वे आई हैव टू ऑप्शंस कि मैं ऑनलाइन अप्लाई कर दूँ और वेट करूँ 2 या 3 महीने का जो भी प्रोसेस टाइम है मेरा वर्क परमिट आने का और ईदर वे आई कैन डू फ्लैग पोलिंग विच इज गोइंग ऑन टू द बॉर्डर्स एंड टेकिंग अ वर्क परमिट देन एंड देयर। सो आई हैव चोजन दैट बिकॉज मैं 2 अक्टूबर को घर भी जा रहा हूँ सो आई डोंट वॉन्ट टू वेट कि मेरे को 2 महीने का वेट हो फिर मैं जब यहाँ वापस आऊँ तो मेरे को टाइम लगे। सो मेरे घर से 2 बॉर्डर्स हैं लंदन से एक सारनिया बॉर्डर है जो US जाता है फ्लैग पोलिंग आप वहीं से कर सकते हो जो US और कैनेडा का बॉर्डर टच हो रहा हो और एक है नाइग्रा तो मेरे घर से पास है सारनिया वाला बॉर्डर सो विच इज़ ब्लू वाटर ब्रिज। तो आज मैं यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है लंदन से तो मैं वहाँ जा रहा हूँ अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने फिर मेरे को वापस भी आना है मेरी 10 बजे से शिफ्ट है सुबह मॉर्निंग में और अभी 6:30 बज रहे हैं सुबह के तो मैं अभी तुरंत निकल रहा हूँ 1 घंटे की ड्राइव है वहाँ जाके वर्क परमिट लूँगा और वापस आके काम पे जाना है मुझे। और जब आपका कंप्लीशन लेटर आ जाता है देन यू कांट वर्क ऑन सिन एक ये भी है तो मेरे को वर्क परमिट लेके और फिर क्या कहते हैं सिन पे काम करना है। ओके सो आई हैव टू गो टेक माई वर्क परमिट और फिर वापस आना है। सो आई शो यू इट्स 1 आवर ड्राइव मैं आपको दिखाता हूँ बाहर कितना अच्छा सनराइज हो रहा है मैं जा रहता हूँ वहाँ से सीधे डायरेक्ट सनराइज दिखता है। आई शो यू ये देखिए आई लिव ऑन अ 6th फ्लोर बट यहाँ से भी अच्छा दिखता है व्यू बहुत अच्छा है और मेरी गाड़ी वहाँ नीचे खड़ी हुई है सो मैं जल्दी से चलता हूँ और गाइस हम जल्दी से चलते हैं और वर्क परमिट लेके आते हैं और मैं रास्ते में बताऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे फ्लैग पोलिंग करने के लिए। सो लेट्स गो। I'm all set and now I'm picking up my friend. He's right here. It's Vamsi. He's also going with me. So let's pick him up and let's. कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जैसे कंप्लीशन लेटर तो वो मेरे को रात में आया था तो मैंने अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर दिया जो कि यहाँ काम करता है वर्किंग इन पार्क होटल दिस इज द होटल तो मैं यहाँ से अपना कंप्लीशन लेटर उठा लूँगा एंड देन हम लोग निकलते हैं रास्ते मेरी गाड़ी वहाँ पर पार्क है जल्दी से कंप्लीशन लेटर उठा के have to go let's go the hotel you can grab breakfast from there as well so I'm sure I'll grab something for me to eat let's go coffee le lete hain let's go for coffee and then I'll take my documents and then leave for taxi आ चुका हूँ कनाडा US बॉर्डर सो यहाँ पे यहाँ से कनाडा का बॉर्डर ख़त्म होता है US का बॉर्डर स्टार्ट होता है सो लेट्स सी दे विल स्टॉप मी ऑन दिस चेक पोस्ट एंड आई हैव टू से कि मैं फ्लैग पोलिंग के लिए आया हूँ एंड लेट्स सी व्हाट दे आस्क वह है टॉप स्ट्रीट
प्रोसीड व्हेन लेन इज क्लियर. आई विल शो यू. यहाँ पे है एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे यहाँ पे स्टॉप होना है और मैं अपना पासपोर्ट ले लेता हूँ इन केस अगर पासपोर्ट. सो गाइस, पहला जो चेक पोस्ट था वो सिर्फ टोल का था, मैं उनको पासपोर्ट दे रहा था. बट सिक्स कैनेडियन डॉलर और या फिर फोर यूएस डॉलर यू हैव टू पे टू गो थ्रू दैट टोल. अब सामने एक और चेक पोस्ट आएगा शायद, वहाँ पे मुझे शायद पासपोर्ट वगैरह दिखाना पड़ेगा. बट मैंने उसको बोला था आई एम हियर फॉर ब्लैक पॉलिंग, तो ही सेड ओके जस्ट यू हैव टू पे $6 टू गो इन टू दिस पार्किंग, सॉरी टू गो थ्रू दिस टोल. सो आई पेड $6 और नेक्स्ट देखते हैं अब क्या चेक पोस्ट आएगा. ये कैनेडा और यूएस को कनेक्ट करता है ये अलग ब्रिज, और मैं आपको लेफ्ट दिखा सकता हूँ. पीछे नीचे ब्लू वाटर ब्रिज है इन सार्निया. लेट्स सी व्हाट दे विल आस्क नाउ. गाइस, मैं क्रॉस करके आ चुका हूँ ब्रिज. मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन है और आगे भी कार्स बहुत सारी हैं. एंड आई हैव टू वेट अंटिल माई टर्न कम्स. और यहाँ पे एक और चेक पोस्ट है, शायद वहाँ पे मेरे से पासपोर्ट मांगेंगे. लेट्स सी व्हाट डॉक्यूमेंट्स दे आस्क फॉर एंड आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड. आई एम वेरी स्केयर्ड दो. लेट्स सी. बहुत सारी गाड़ियाँ हैं ये देखो, सारे ये यूएस जा रहे हैं. लॉन्ग क्यू. और यहाँ पे ट्रक्स हैं, ये ट्रक्स वाला सेक्शन है और इस तरफ से सिर्फ कार्स जाती हैं. गाइस, अब मैं वापस जा रहा हूँ कनाडा की तरफ. जब मैं यूएस की तरफ एंटर कर रहा था तो उन्होंने मेरे से पूछा ऑन द सेकेंड चेक पोस्ट कि आप क्यों आ रहे हो. तो आई सेड आई एम डूइंग फ्लैग पोलिंग. देन ही सेड डू यू हैव यूएस वीजा. आई सेड नो. देन ही सेड ओके. फिर उसने रेडियो करा अपने एक ऑफिसर को. देन एक ऑफिसर आया जस्ट चेक पोस्ट के बाहर. वो मुझे अंदर उनका एक बूथ होता है, वहाँ पे ऑफिस होता है, वहाँ पे वो ले गया मुझे. और वहाँ पे मेरे से उन्होंने पूछा डू यू हैव द यूएस वीजा. आई सेड नो. एंड देन उन्होंने मेरे से बोला कि आई नीड योर पासपोर्ट. एंड देन पासपोर्ट लेने के बाद उन्होंने मेरा फिंगरप्रिंट्स लिए, सारे पांच हाथ मतलब पांचों उंगलियों के और दोनों हाथों के बेसिकली. और उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने मुझे एक पीस ऑफ पेपर दे दिया और उन्होंने कहा कि नाउ यू हैव टू हेड बैक टू कैनेडा. वहाँ पे आपको फिर से एक सेम ऑफिस सेम प्रोसेस, वहाँ पे मुझे रोका जाएगा और फिर वहाँ पे मुझे अपना वर्क परमिट दिया जाएगा. सो अभी मैं वापस जा रहा हूँ कनाडा की तरफ. उन्होंने मेरे को सिर्फ एक ये पीस ऑफ पेपर दिया यूएस से कि मेरी एंट्री डिनाई कर दी गई है. बेसिकली आई डोंट हैव दी यूएस वीज़ा. तो वो एक प्रोसेस है ये, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है. तो उन्होंने मेरी अभी एंट्री डिनाई करी है. नाउ आई एम हेडिंग बैक टू कनाडाज इमिग्रेशन चेक पोस्ट. सो अब वहाँ देखते हैं अब वहाँ क्या प्रोसेस होगा. अब मैं यूएस से वापस आके कनाडा वाले चेक पोस्ट पे आ गया हूँ और वो कनाडा का फ्लैग है वहाँ पे, आप देख सकते हो. अब मुझे यहाँ पे आके उन्होंने मेरे को बोला है कि आपको यहाँ पे आके बोलना है कि यू आर डूइंग फ्लैग पोलिंग एंड नाउ यू आर कमिंग बैक टू कनाडा. एंड देन वो मेरे को अगला प्रोसेस बताएंगे. सो गाइस, द गुड न्यूज़ इज मुझे वर्क परमिट मिल चुका है फ्लैग पोलिंग से. एंड सो मैं बताता हूँ क्या क्या पूछा उन्होंने. जब मैं कनाडा वाले इमिग्रेशन ऑफिस में गया तो उन्होंने मेरे से जब एंट्री हुई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाई आर यू हियर, आर यू हियर फॉर पेइंग टैक्सेस और फॉर इमिग्रेशन. आई सेड इमिग्रेशन. एंड देन ही सेड देन आई वेंट टू द ऑफिसर. फिर उसने पूछा मेरे से कि आप किस लिए आए हैं. तो मैंने कहा आई वॉज डूइंग फ्लैग पोलिंग एंड आई एम हेयर फॉर PGWP फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. So he said, how many years program you did? So I said, 2 years program. So he said, if you have done 2 years program, you will get a 3 years of work permit, and which is an open work permit. There is two types of work permit. One is closed. That means ke agar aap kisi company ke liye kaam kar rahe ho, then only for 3 years you have to work for that company only. You can't switch. और दूसरा होता है ओपन वर्क परमिट. दैट मींस कि आप कभी भी कहीं भी स्विच कर सकते हो, कहीं भी काम कर सकते हो. सो टू मी मुझे ओपन वर्क परमिट मिला क्योंकि हमारे 2 साल का कोर्स होता है और फिर उसके बाद वो एक ही बारी मिलता है. एंड वो 3 साल के लिए मिलता है अगर आपने 2 साल का प्रोग्राम किया हो, और अगर 1 साल का कोर्स किया आपने तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है. सो मुझे तो 3 साल का वर्क परमिट मिला. और द डॉक्यूमेंट्स विच दे नीड वॉज मेरा पासपोर्ट, मेरी ट्रांसक्रिप्ट,
मेरा कंप्लीशन लेटर कॉलेज से, एंड मैंने उनको अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर भी दिया था जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, जहाँ मेरी फुल टाइम नौकरी है. सो आई गेव देम माई एम्प्लॉयमेंट लेटर एज वेल, और स्टडी परमिट भी मैंने दिया था जो मुझे जब मैं कनाडा में एंटर हुआ था वो भी मैं लेके गया था, और वर्क परमिट भी. उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बैठिए, हम आपको बुलाएंगे अगर कुछ चीज़ सही होगी. देन दे कॉल्ड मी फॉर माई हाउस एड्रेस, उन्होंने कहा कि आप अपना हाउस एड्रेस भी बता दीजिए, एंड दे जस्ट नीड माई फोन नंबर एज वेल. सो दिस प्रोसेस टुक 30 मिनट्स फॉर हिम. आधे घंटे बाद उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको $255 की पेमेंट करनी है, विच इज कैनेडियन. सो मैंने $255 की पेमेंट करी, और उसके बाद उन्होंने मेरे को मेरा वर्क परमिट दिया 3 साल का. एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी अगर आपका कोर्स हेल्थ साइंस से नहीं है या फिर कोई डॉक्टर वाला कोर्स नहीं है, देन यू कांट, दिस वर्क परमिट इज नॉट एलिजिबल कि आप कोई डे केयर, चाइल्ड केयर वाली कोई भी जॉब, मेडिकल सेक्टर वाली कोई भी जॉब आप नहीं कर सकते, विच इज ट्रू, बिकॉज मेरा कोर्स वो नहीं था. ओके, एंड उसके बाद हमने ऑल्सो ही टोल्ड मी दैट आई कांट वर्क इन अ स्ट्रिप क्लब, विच इज ऑल्सो मैंशन इन द वर्क परमिट. आप स्टडी परमिट पे भी आते हो और आपको जो इमिग्रेशन के टाइम आपको वर्क परमिट दिया जाता है स्टडी में, उसमें भी यही चीज लिखा होता है, यू कांट वर्क फॉर अ स्ट्रिप क्लब एंड ऑल. एंड ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट, एंड दैट वॉज इट. आई जस्ट गॉट माई वर्क परमिट इन व्हाट यू से इन वन डे, क्योंकि रात में ही मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट्स एंड कंप्लीशन लेटर आया था कॉलेज की तरफ से, और सिर्फ मैंने सिर्फ 10 घंटे में अब अपना वर्क परमिट ले लिया. एंड देर आर टू वेज, एक होता है आप ऑनलाइन अप्लाई करो एंड देन यू हैव टू वेट फॉर रिसीविंग योर वर्क परमिट, विच कैन टेक अ वाइल, लाइक 2 months, 3 months, डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस टाइम. फ्लैग पोलिंग इज समथिंग लाइक यू गो ऑन टू द बॉर्डर्स. यहाँ से मैं पहले यूएस के बॉर्डर गया, वहाँ पे उन्होंने मेरे को एक पेपर दिया जहाँ पे वो मेरी एंट्री डिनाई करते हैं यूएस में, एंड दे सेंड यू बैक टू कैनेडा. इट इज अ प्रोसेस, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है. एंड देन जब आप कैनेडा आते हो, फिर आप जब कैनेडा एंटर करते हो यूएस की तरफ से, देन दिस देन यू गो एंड टेल ऑन द चेक पोस्ट, फर्स्ट चेक पोस्ट के मुझे फ्लैग पोलिंग करनी है, एंड देन यू गो इन टू द इमिग्रेशन प्रोसेस, एंड देन द प्रोसेस इज सो ऑन. वो मैंने बता दिया आपको. द सेकेंड थिंग इज मैंने फ्लैग पोलिंग करी है सारनिया बॉर्डर से. आप दूसरी फ्लैग पोलिंग भी कर सकते एनी वेयर जो कैनेडा से यूएस बॉर्डर टच हो रहा हो, जहाँ से क्रॉस करते हैं वहां पे जाके आप फ्लैग पोलिंग कर सकते हो. मैं सुबह 6:30 बजे निकला था लंदन से और 8 बजे उनका ऑफिस खुलता है, तो आई वॉज हेयर एट 8:10. कोई नहीं था, बिल्कुल खाली था. सो यू कैन डू इट, बट इट्स अप टू यू. इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई ऑनलाइन, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन. मैं आने से पहले मुझे काफी लोगों ने बोला था कि बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, बट आई फील लाइक देर वॉज नो इश्यूज अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आपके पास ट्रांसक्रिप्ट हैं और आपने कुछ सिन पे कुछ गड़बड़ नहीं करी, देन इट्स फाइन, देर इज नो. और ये सब उन्होंने मेरे से पूछा ही नहीं कि हाउ मेनी आवर्स यू वर्क एंड ऑल, देर वॉज नथिंग. यू जस्ट गो देयर, गिव योर डॉक्यूमेंट्स एंड टेल देम यू आर हियर फॉर फ्लैग पोलिंग, एंड दे विल डू थिंग्स फॉर यू. आफ्टर गेटिंग योर वर्क परमिट, जो कि मुझे आज ही मिल गया, एक ही दिन में मिल गया. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर गेटिंग योर वर्क परमिट इज टू गेट अ ओहिप, विच इज ऑन्टेरियो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो स्टडी परमिट होता है उसके साथ साथ आपका इंश्योरेंस भी होता है कॉलेज की तरफ से, जो कि प्रोवाइड होता है. बट वेन योर स्टडीज आर डन, आप वर्क परमिट पर आ जाते हो, देन जो आपका इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो जाता है. सो ओहिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन इंश्योरेंस विच कवर्स एवरीथिंग, और वर्क परमिट मिलने के बाद ही आप वो अप्लाई कर सकते हो. सो मैं आ चुका हूँ सर्विस कैनेडा और मैं आज ही ये काम ख़त्म कर दूंगा. आप मैं हेल्थ कार्ड, विच इज यहाँ पे कैनेडा में उसको हेल्थ कार्ड बोलते हैं, ग्रीन कलर का कार्ड होता है, वेयर विच यू कैन जस्ट टेक टू एनी ऑफ द हॉस्पिटल क्लिनिक एंड दे विल गिव यू अ फ्री ट्रीटमेंट. कुछ भी हो, सर्दी जुकाम बुखार एनीथिंग, इट इज़ जस्ट अ ग्रीन कलर हेल्थ कार्ड विच यू हैव टू अप्लाई आफ्टर गेटिंग योर वर्क परमिट PGWP, विच इज़ फॉर 3 years. सो जो हेल्थ कार्ड होगा वो भी 3 साल के लिए वैलिड होगा. The only thing you have to do is after getting your work permit, you come to service Ontario.
एक फॉर्म भरना है एंड दे हैव अ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपके पास फुल टाइम जॉब होनी चाहिए और आपकी आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए एंड अ ड्राइविंग लाइसेंस. ये तीन चीज़ें आपके पास होंगी देन यू कैन अप्लाई फॉर ओहिप, ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम विच इज़ अ ग्रीन कलर कार्ड, पीपल से हेल्थ कार्ड एज वेल. सो राइट नाउ आई एम गोइंग इन, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसके आपका चार्जेस नहीं है. यू जस्ट गो फिल दैट फॉर्म एंड देन यू आर डन. सो दे विल सेंड यू दैट हेल्थ कार्ड ऑन टू योर मेल बॉक्स. सो लेट्स गो इनसाइड एंड फिल दैट फॉर्म एंड देन वी आर डन. So I'll keep you posted. Let me go in. So guys, मैंने अपना हेल्थ कार्ड अप्लाई कर दिया है. वही तीन डॉक्यूमेंट्स मांगे उन्होंने मेरे से, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि आप 6 महीने से उस कंपनी में काम कर रहे हो और आगे वाले 6 महीने तक भी उसमें काम करोगे. That's it. और एक फॉर्म फिल करने को दिया उन्होंने. फॉर्म जैसे फिल करा वो ले लिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि आपके ईमेल में जो मेलिंग एड्रेस है आपका, वहाँ पे आपका हेल्थ कार्ड डिलीवर हो जाएगा. सो दैट वॉज इट. इट वॉज अ बिजी डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड वन मोर थिंग, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन. थैंक यू सो मच. टेक केयर.